हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज के वीडियो में जो है द्विपद द्विघात करणी का हम परिमेयकरण करना सीखेंगे। तो पहला हमारा क्वेश्चन है 3/√2 + √3 के हर का परिमेयकरण कीजिए। तो आज इसको हम सॉल्व करेंगे और इसके रिलेटेड और भी क्वेश्चन को जो है हम सॉल्व करने की यहाँ पे कोशिश करेंगे और देखेंगे कि कैसे जो है हर का परिमेयकरण किया जाता है। तो गाइस, अगर वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें। तो चलिए क्वेश्चन को हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है 3/√2 + √3। हर का जब परिमेयकरण करना होगा तो यहाँ पे जो √2 और प्लस है √3, तो इसको माइनस हम कर देंगे और इसी का जो है ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे √2 - √3 और नीचे भी जो है √2 - √3 से जो है मल्टीप्लाई हम करेंगे यहाँ पे। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 और यहाँ से √2 - √3 हो जाएगा और यहाँ पे जो है √2 का √2 में गुणा करेंगे। तो यहाँ पे या एक यहाँ पे एक फार्मूला होता है कि पहले ब्रैकेट में a+b, दूसरे ब्रैकेट में a-b। तो इसका फार्मूला होता है a²-b²। तो सेम पहले ब्रैकेट में a+b है, दूसरे ब्रैकेट में a-b, तो a का स्क्वायर और माइनस बी का स्क्वायर होगा, ए का स्क्वायर माइनस बी। तो ए की जगह पे यहाँ √2 है तो √2 का स्क्वायर और माइनस बी के जगह पे यहाँ पे √3 है तो −√3 का यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। तो इस फार्मूले का हम प्रयोग यहाँ पे किए हैं। अब यहाँ पे जो है 3 और √2 - √3 यहाँ पे हो जाएगा और इससे ये कैंसिल हो जाएगा और इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से बचेगा 2 - 3 बचेगा। अब जो है इसको हम, ये हमारा फार्मूला है, इसको हम बॉक्स में कर देते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 √2 - √3 हो जाएगा और 3 में से जो है 2 जाएगा तो यहाँ पे -1 आ जाएगा। तो इसको और हम क्या लिख सकते हैं, 1 से जब डिवाइड करेंगे तो वही आएगा, तो लिख सकते हैं कि −3 √2 - √3 ये जो है हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि यदि √5 + √3/√5 - √3 = a + b √15 हो तो a और b का मान ज्ञात कीजिए जबकि a तथा b परिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे जो है हर का परिमेयकरण करेंगे। तो √5 + √3/√5 - √3 है। हर का परिमेयकरण करने के लिए हम यहाँ पे जो चिन्ह है इसको चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे जो है हमारा हो जाएगा √5 + √3 और नीचे भी √5 + √3 से जो है मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि √5 + √3 है और यहाँ पर भी √5 + √3 है, दो बार है, तो इसको लिख सकते हैं हम √5 + √3 का होल स्क्वायर। और यहाँ पे जो है पहले ब्रैकेट में a-b, दूसरे ब्रैकेट में a+b या a+b और a-b, तो इस तरीके से अगर रहता है तो हम लिखते हैं √a²-b², जैसा कि आपने पहले क्वेश्चन में देखा। अगर पहले ब्रैकेट में जो है a-b, दूसरे में a+b या दूसरे में भी a-b या पहले में a+b, यानी कि एक में माइनस रहे और एक में प्लस रहे और ये सेम रहे यहाँ पे, तो इसको हम लिख सकते हैं a²-b², जैसा कि फार्मूला आपने देखा कि पहले ब्रैकेट में a+b और दूसरे में a-b, तो लिख सकते हैं a²-b². तो a की जगह √5 है तो √5 का स्क्वायर, b की जगह पे हमारा √3 है तो √3 का स्क्वायर। अब यहाँ पे √5 + √3 का होल स्क्वायर यानी कि a+b का होल स्क्वायर,
एक फार्मूला जो है आपको पता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। तो इस दो फार्मूले का जो है हम यहाँ पे प्रयोग करने वाले हैं। तो ए प्लस बी पे जो है इसको हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस टू, ए की जगह रूट फाइव और बी की जगह रूट थ्री अपान के, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल, फाइव माइनस यहाँ पे थ्री हो जाएगा। ठीक है, अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारा फाइव प्लस थ्री और प्लस यहाँ पे टू रूट फाइव और रूट थ्री बचेगा। और नीचे जो है हमारा हो जाएगा, फाइव में से थ्री जाएगा तो यहाँ पे टू हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से जो है हम फाइव और टू, यहाँ से फाइव और थ्री को जो है ऐड कर देंगे और टू और रूट फाइव इंटू रूट थ्री हो जाएगा अपान के टू हो जाएगा। और इसको हम सॉल्व कर देते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे एट हो जाएगा प्लस टू और इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट फिफ्टीन हो जाएगा अपान के टू हो जाएगा। अब यहाँ से जो है हम टू कॉमन ले लेंगे, यहाँ से टू जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ फोर बचेगा और यहाँ से टू कॉमन लेंगे तो यहाँ वन बचेगा और यहाँ फिफ्टीन और अपान के टू होगा। टू से टू जो है यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। तो अब यहाँ पे जो है बचेगा फोर प्लस, अब यहाँ पे वन है और फिफ्टीन है। ठीक है, अब जो है हम इससे कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे ए प्लस बी रूट फिफ्टीन, और इससे जब हम कंपेयर करेंगे यहाँ पे कि फोर प्लस यहाँ पे वन और रूट जो है फिफ्टीन है, तो जो है ए की जगह पे जो है हमारा कितना आ रहा है, फोर आ जा रहा है और बी की जगह पे जो है हमारा वन आ जा रहा है, यहाँ से आप देख रहे हैं। तो यहाँ से जो है हमारा फाइनल जो हमारा आंसर होगा, ए बराबर जो है फोर और बी बराबर जो है वन आ जाएगा। तो ये जो है हमारा यहाँ पे आंसर हो गया कि ए का वैल्यू जो है फोर और बी का वैल्यू जो है यहाँ पे वन आ रहा है।